नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हम 15 सूत्री। यूं तो 24 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिवाली 13 दिन पहले यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये इसलिए क्योंकि उज्जैन में महाकाल के लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भव्य तैयारियां की जा रही है। गांव-गांव में बड़ी बड़ी LEDs लगाई जा रही हैं ताकि वहां पर लाइव प्रसारण हो सके, क्योंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा है। आप लोग चाहते हैं कि जब लोकार्पण हो तो वो भी इस नज़ारे को देखें। पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहेंगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 4 गुना बड़ा ये पूरा लोक बनाया गया है, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है। कॉरिडोर एक तरीके से है। इसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है। एक असुर था जिसका वध करने के लिए महाकाल यहाँ पहुँचे, और जब वो वध करके असुर का जाने लगे मानव जाति को बचाने के बाद, तो भक्त उनसे विनती करने लगे कि प्रभु आप मर जाइए। उसके बाद बाबा ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान होने का फैसला किया, और उज्जैन में एकमात्र महाकाल ऐसे हैं जहाँ पर भस्म आरती की जाती है और लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक और व्यवस्था की गई है कि पीले चावल गांव-गांव में बांटे जा रहे हैं। सभी भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है इस विशेष उत्सव में शामिल होने के लिए। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में यह उत्सव मनाने वाली है, जिसको लेकर भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं। हर गली हर चौराहे पर साज सज्जा की जा रही है। खासतौर से जो शिव मंदिर है वहाँ पर दुल्हन की तरह उन मंदिरों को सजाया जा रहा है, क्योंकि भगवान महाकाल के लोक का लोकार्पण यहाँ पर होने वाला है, और इसको लेकर भव्य तैयारियाँ की गई हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट के बनने से क्या होगा, एक तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ पूरे शिवजी की जो कहानियाँ हैं, जो पौराणिक कथाओं में हैं, वो आपको मूर्तियों के जरिए दिखाई देगी। यानी मूर्तियाँ इस तरीके से बनाई गई है कि वहाँ पर पूरी कहानी आपको मूर्तियों के जरिए समझ में आ जाएगी। साथ ही वहाँ पर QR कोड भी लगा हुआ है, यानी जिस भी मूर्ति पर आप क्लिक करेंगे आपको QR कोड के जरिए पूरी कहानी उसके पीछे की मिल जाएगी। यानी क्या उसको लेकर कथाएँ प्रचलित हैं वो आपको पता चल जाएगा। उस मूर्ति में किस तरह की कहानी को उकेरने की कोशिश की गई है वो आपको पता लग जाएगा। आप बात कर लेते हैं कि इस परियोजना में कितना खर्च हुआ है। 421 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 271 करोड़ दिए हैं। इसके अलावा फ्रांस सरकार की ओर से भी इसमें मदद दी गई है, 80 करोड़ रुपये उनकी ओर से मिले हैं, और 21 करोड़ मंदिर समिति की ओर से खर्च किए जा रहे हैं। यानी बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, लंबे समय से इंतज़ार इसका किया जा रहा था। आपको बता दें कि 1736 में इसका निर्माण हुआ था। राणा जी राव शिंदे ने इसका मंदिर का निर्माण किया था, और एकमात्र ऐसा मंदिर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भस्म आरती यहाँ पर होती है, और मंदिर के गेट से लेकर तमाम जो प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, 92 ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनके जरिए कहानियों को उकेरा गया है। इसके ज़रिए आप इतिहास और भूगोल भी पता कर सकते हैं। महाकाल का जो लोक है वहाँ पर, आपको जब भी आप वहाँ प्रवेश करेंगे उसकी खासियत यह है कि आपको वहाँ शिव जी के भजन सुनने को मिलेंगे। भजन कीर्तन हालांकि लगातार वहाँ पर होता रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर ऑडियो के जरिए वहाँ कहानियाँ भी सुन सकते हैं भगवान शिव के बारे में। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो अमृत सिद्धि योग बन रहा है, यानी शाम 6:30 बजे 11 अक्टूबर मंगलवार का दिन है, यानी बहुत मंगल है ये दिन, और अश्विनी नक्षत्र है जिसमें PM मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। और क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अयोध्या की तर्ज पर, क्योंकि श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ ये मसला है, श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है, ऐसे में जैसे अयोध्या में चंदा इकट्ठा किया गया था, वैसे ही यहाँ लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो भी आएँ और दर्शन करें। अयोध्या में जिस तरह से पिंक पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, वैसे ही पत्थर का निर्माण यहाँ पर भी किया गया है। राजस्थान से ये पत्थर मंगाए गए हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में भी उन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। यानी खूबसूरती तो देखते ही बनेगी, दुल्हन की तरह ये पूरा दरबार सजा होगा। तो आप भी जाइए और हाजिरी लगाइए। इंडिया न्यूज़ लाइव तस्वीरें आप तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि 11 तारीख को लगातार जो ग्राउंड जीरो से कवरेज होगी वो हम आप तक पहुँचा देंगे।